खबर उत्तर प्रदेश के बरेली से है, जहां सेना में पास कराने के नाम पर ठगी करने वाला गिरोह धर दबोचा। बरेली पुलिस ने 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। सेना भर्ती देखने आने वालों को फंसाते थे ये अपने जाल में। महेंद्र पाल, राहुल शर्मा और शुभम हुए गिरफ्तार। एसपी सिटी रविंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता में किया खुलासा। हाल ही में एक युवक से किए थे 20,000 रुपए की ठगी। तीनों अभियुक्त शाही क्षेत्र के रहने वाले, शहर के पंचम होटल के पास से तीनों गिरफ्तार। मिलिट्री इंटेलिजेंस की सूचना पर हुआ पर्दाफाश। पुलिस को सूचना कैसे मिली? एक वादी है जिनका नाम लवलेश है, वो मुख्य रूप से जनपद बांदा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इनके द्वारा थाना कोतवाली जनपद बरेली पर एक लिखित तहरीर दी गई। तहरीर में इनके द्वारा बताया गया कि कुछ लोग इनसे सेना में भर्ती कराने के नाम पर 20,000 रुपये ले लिए। उप सूचना पर थाना कोतवाली में तत्काल प्रभाव से 420-406 IPC का एक मुकदमा पंजीकृत किया गया और इस घटना का सफल अनावरण करने के लिए टीम गठित की गई। इसमें हमें लिटिल इंटेलिजेंस बरेली और लिटिल इंटेलिजेंस कामटी महाराष्ट्र से भी कुछ इनपुट मिले थे। उप इनपुट के आधार पर थाना कोतवाली की जो टीम है वो इन घटना में जो लोग थे उनके धरपकड़ के लिए सघन चेकिंग अभियान कर रही थी। चेकिंग के दौरान में आज बरेली के पंचम होटल थाना कोतवाली क्षेत्र से 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। 3 व्यक्ति क्रमशः महेंद्र पाल, राहुल और शुभम हैं। ये तीनों थाना शाही क्षेत्र के रहने वाले हैं। सर, किस तरह से ये मोरोसर को प्रणिश किया था इनका, किस तरह? जब इन लोगों से गहन पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि ये सेना भर्ती जब होती है उसके केंद्र के आसपास में घूमते रहते हैं और जो वहाँ पर अभ्यर्थी जाते हैं उनसे उनके मोबाइल नंबर प्राप्त कर लेते हैं और उनको सेना भर्ती में कराने के नाम पे उनसे कुछ पैसे ले लेते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं आपको सेना भर्ती करा दूंगा। लेकिन इनके से जब हमने विशेष पूछताछ करी कि आज तक आपने कितने लोगों को भर्ती कराया, तो इनके द्वारा बताया गया कि हम भर्ती तो नहीं करा पाते हैं क्योंकि हमारी जान पहचान सेना में नहीं है और हम लोगों से इसी तरीके से बहला फुसला कर उनसे पैसे ले लेते हैं, उनके साथ ठगी करते हैं। सर, अब तक कितने लोग पैसे ठगी कर चुके हैं, कितना पैसा? इनके द्वारा तो अभी ये बताया गया कि हम लोगों ने ये पहली बार इसी घटना को अंजाम दिया है, लेकिन इसमें गहन हम छानबीन करेंगे और इसमें हम पता लगाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि और भी इसमें कौन कौन लोग शामिल है, इस गिरोह में कौन कौन लोग हैं और इनके बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज क्या है, सभी की गहन इसमें छानबीन हम करेंगे। सर, इसमें मुखिया कौन है? नहीं, अभी तक इसका कोई आपराधिक इतिहास हम निकल के सामने नहीं आया, लेकिन फिर भी अपने जनपद और आसपास के जो जनपद है वहाँ पे हम DCRB के माध्यम से हम इनके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी कर लें, जैसे जानकारी होगी आप लोगों को सूचित करेंगे। सर, इसमें मुखिया कौन है मेन रूप से? नहीं, मुखिया क्या, इसमें तीनों लोग जो है सामान्य रूप से सम्मिलित है तो इसमें तीनों लोग इसमें दोषी पाए गए। बरेली से दीपक कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।